वेलकम टू आवर चैनल ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको ZX डिस वेरिएंट के जो मीटर के अंदर जो ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट ब्लूटूथ का फंक्शन दिया गया है इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को से दबाना है, हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लाल बटन पर प्रेस करें और फिर बेल आइकन पर प्रेस करें और इसको ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से मिलती रहेगी। तो हम सबसे पहले क्या करें, जैसे चाबी ऑन करके आपको दिखाते हैं मीटर के जो फीचर और खासियत दिखाते हैं आपको। और हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स कमांड जो एक्स कनेक्ट का फीचर दिया गया है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप देखते रहिए। सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और इसके अंदर जो एक्स कमांड कनेक्ट का फीचर दिया गया है, एक्स कनेक्ट का जो फीचर दिया गया है उसको लिए हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। तो हमने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है, तो इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ टाइप करना है TVS कनेक्ट। देखिए दोस्तों, ये वाला निशान है, ये TVS कनेक्ट का सिग्नल है, इसको हम पहले इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, 93 MB की ये जो ये एप्लीकेशन है, ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया है। तो हमने इसको ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद इस तरह से ये आ जाएगा। तो इसके अंदर से पहले क्या है, इसके अंदर परमिशन मांगेगा TVS कनेक्ट टू एसेट डिवाइस लोकेशन की, हमने परमिशन अलाउ कर देंगे इसको भी। तो हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए हम इसको नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद जिन्होंने पहले साइनअप किया है तो वो साइनअप कर लेंगे, जिन्होंने नहीं किया हो तो हम जिन्होंने पहले साइनअप किया वो लॉगिन कर लें, जिन्होंने नहीं किया वो फर्स्ट टाइम साइनअप करेंगे। वो किससे क्रिएट अकाउंट बनाना चाहे क्रिएट अकाउंट बना लेंगे, ना तो फेसबुक से लॉगिन कर लेंगे, किसी चीज़ से भी लॉगिन कर लेंगे। तो हम यहाँ क्रिएट अकाउंट बना के दिखाते हैं आपको। फुल नेम है MANISH मनीष, फ़ोन नंबर है 9815903815, ईमेल आईडी डाल दी हमने, उसके बाद सिटी डाल दिया, उसके बाद हम नीचे सबमिट कर दिया है। तो वैलिड सिटी, तो झज्जर सिटी उठा नहीं रहा, तो इसके अंदर हम रोहतक सिटी डाल के इसको सबमिट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। तो हमने नेक्स्ट सिटी डाल दी है, ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, इसको हम लॉगिन करके देख लेते हैं, फेसबुक से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। आप आईडी बना के भी लॉगिन कर सकते हैं, 98 12 90 38 15। ये देखिए हमने आईडी बना ली है, तो इस पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, ये पासवर्ड आ गया है 2063062063 06। ये हमने लॉगिन कर लिया है। उसके बाद अब ये इस तरह इंटरफेस है, चेसी नंबर मांगे, उसके अंदर हम चेसी नंबर डालेंगे। तो हमें चेसी नंबर कहाँ से लेना हम आपको बता देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी शीट को ओपन करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से इसका चेसी नंबर लेंगे। तो ये देखिए चेसी नंबर है इसका, ये चेसी नंबर हम इसमें डालते हैं, ये हमने चेसी नंबर डाल दिया है, इसको वेरीफाई करेंगे एक सेकंड। ये हमने इसको वेरीफाई कर दिया है, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर बाइक निक नेम, ये भी अप्लाइड फॉर स्कूटी है, तो हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। ये डिवाइस के नेम दिए गए हैं, अलो कर देंगे इसको TVS नेटवर्क कॉन्टैक्ट अलो कर देंगे, और TVS कनेक्ट जो मेक मैनेज मोबाइल कॉल्स फीचर है उसको भी अलो कर देंगे, फ़ोटो एंड मीडिया डिवाइस को भी अलो कर देंगे। तो अब ये कनेक्ट हो गया है, अनेबल नोटिफिकेशन, इसको हम नोटिफिकेशन जो इसकी अनेबल कर देंगे यहाँ से, ये हमने नोटिफिकेशन अलो कर दी है, ये देखिए। उसके बाद हम इसको यहाँ से बैक करके आपको दिखाते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा इसका। तो हम इसको
कनेक्ट करते हैं। यूज लोकेशन का भी सिस्टम दिया गया है, अलो कर देंगे इसको भी। उसके बाद हम इसको बैक करते हैं, अलो कर दिया, ब्लूटूथ सिस्टम ब्लूटूथ ऑन हो गया इसका। ये आ गया डिवाइस नेम, इसको हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए, ये हम मीटर के अंदर हमारे फ़ोन की बैटरी आ गई है और वाईफाई जो इसका सिग्नल रेंज है ब्लूटूथ का वो आ गया है और ब्लूटूथ का भी सिग्नल आ गया है इसके अंदर। तो हम दोबारा इसको अलाउ कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए, मे आई हेल्प यू, देखो वॉइस कमांड का जो फीचर का बटन दिया गया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसको हमने कट कर दिया, वॉइस फीडबैक। देखिए ये किलोमीटर का दिखाता है, देखो हम इसको स्टार्ट करके रेस देते हैं, रेस देंगे, देख किलोमीटर का ये फंक्शन इसका दिया गया है। अब हम वॉइस कमांड का जो बटन होता है इसका किस तरह का यूज करेंगे, जैसे हमने यूज कर दिया बटन दबा के नियरेस्ट पेट्रोल पंप, तो ये सर्चिंग करेगा इसके अंदर। देखिए अभी आया नहीं है, दोबारा हम इसमें सर्च करते हैं, झज्जर बस स्टैंड। ये देखिए, रेफर टू कमांड लिस्ट, फ्यूल एम्प्टी दिखा रहा है इसके अंदर। ये देखिए, इसका हमने नियरेस्ट पेट्रोल पंप बोला था, इसका अंदर नियरेस्ट पेट्रोल पंप आ गया है। दोबारा हम देखो डिस्कनेक्ट कट करते हैं, यहाँ पर ब्राइटनेस फीचर लो, जो ये एस कमांड बटन का फीचर दिया गया है इसके ब्लूटूथ कनेक्ट होने पर ही इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हम यहाँ बोलते हैं तो इसके अंदर देखो, अब हम दोबारा दिखाते हैं, ये हमने बटन दबाया नीरेस्ट पेट्रोल पंप, ये देखिए मीटर के अंदर भी सर्चिंग हो रही है और यहाँ पर भी आ गया नीरेस्ट पेट्रोल पंप। तो इससे हम कुछ सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। हमने इसके अंदर ये जो बोला था नीरेस्ट पेट्रोल पंप, ये देखो इसके अंदर सिग्नल सर्च होके आ गया है, जो हमारा नज़दीक पेट्रोल पंप है टर्न लेफ्ट 5 मीटर के आसपास है। तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ से तो कट कर देते हैं और दोबारा कहते हैं एक्सिस बैंक झज्जर। अभी ये सर्च कर रहा है, देखो अभी यहाँ पर सर्च कर, डिड नॉट फाउंड। ये जो वॉइस कमांड का फीचर है तो कई बार अच्छे से काम करता है, कई बार स्लोली काम करता है। तो उसके बाद इसमें बहुत से फीचर दिए गए हैं मीटर में, इसे यहाँ पर मीटर किलोमीटर दिखाता है और यहाँ पर टाइम दिखाता है मीटर का, और देखिए किलोमीटर भी दिखाता है कितने चल गए हैं, वे टू यूज हम कहाँ पर है, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसको ऊपर करके देखते हैं, यहाँ गो टू सेटिंग अनेबल टू राइट मोड, इसके अंदर ये देखो स्वाइप टू एंड मोड, जो इसे गो टू सेटिंग है तो ये राइट असिस्टेड का गो टू सेटिंग और ऑप्शन दिया गया है। तो हम इसको ओपन करके देखते हैं, तो इसके अंदर वॉइस असिस्टेंट का फीचर दिया गया है और जर्नल के अंदर जाके देखते हैं ऑटो रिप्ले का, डू नो डिस्टर्ब का ऑप्शन दिया है, ब्लूटूथ मैनुअल कनेक्शन फीचर दिया गया है, मैनेज यूर एड्रेस फीचर, और जो ब्राइटनेस की बात करने जा रहे थे, अगर ब्राइटनेस का हम कम कर देते हैं और उसको हम सेव करते हैं तो जो हमारे स्पीडोमीटर की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। उसके बाद हम इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा के दिखाते हैं, गो टू सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद जर्नल में जाते हैं, तो और हम इसकी जो ब्राइटनेस है इसको हम 5 नंबर करके उसको सेव कर देते हैं। देखिए जो मीटर की ब्राइटनेस है ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है, ये इसमें अच्छी फीचर खासियत फीचर दिए गए हैं। इसके बाद हम इसमें और भी फीचर की बात करने जा रहे हैं, ब्राइटनेस के अलावा हाई स्पीड अलर्ट का भी फीचर दिया गया है इसके अंदर, बहुत ही अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं। वेयर टू यूज, हम कहाँ हैं, तो इसके अंदर नेविगेट का फीचर दिया गया है, तो हमने ये नेविगेट का ऑप्शन इसमें ओपन कर लिया है। ये देखो असिस्ट ऑन नेविगेशन, तो हम इसमें नियरेस्ट पेट्रोल पंप सर्च करते हैं, इसमें दिखा रहा है नेविगेशन असिस्ट ऑन, HP का पेट्रोल पंप हमने सर्च कर लिया, कहाँ पर है डायरेक्शन, ये हमने डायरेक्शन पे क्लिक किया, स्टार्ट।
ये देखिए, अब इसके अंदर टर्न लेफ्ट, इसके अंदर दिखाएगा हमें कैसे कैसे जाना है, टर्न लेफ्ट मुड़ना है, टर्न राइट मुड़ना है, टर्न लेफ्ट में कितने मीटर है, टर्न लेफ्ट 50 मीटर है, ऐसे ऐसे हमें सारी सिग्नल देता रहता है। तो ये इसके मीटर की एक खासियत खास बात है, और भी अगर हमें इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में बताएंगे। तो अगर किसी को कुछ पूछना है, तो किसी को कुछ समझना है, तो हमें कमेंट करें, तो हम उसको उसके बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।